हेलो एवरीवन, वेलकम टू जोइस वर्ल्ड। होप यू आर ऑल फाइन। आज के वीडियो में मैं आपको कुछ ऑनलाइन गेम्स के बारे में बताने वाली हूँ। ऐसे गेम्स जो कि स्पेशली किंडरगार्टन किड्स, प्री प्राइमरी के बच्चों के लिए अच्छे हैं, और इन्हें आप खिला के अपनी क्लास को इंगेजिंग और इंटरेस्टिंग बना सकते हैं, बच्चों को थोड़ा सा फ़न करवा सकते हैं, और इससे बच्चे ज़्यादा आपकी क्लास में इन्वॉल्व होंगे, बच्चों को आपकी क्लास का वेट होगा और आपके लिए भी थोड़ा सा रिलैक्सिंग होगा इन गेम्स को करा के। एंड साथ ही साथ इन गेम्स के खिलाने के से बच्चे कुछ सीख भी जाते हैं। इन गेम्स में कुछ हम ऐसी चीज़ें इन्वॉल्व कर सकते हैं, इंक्लूड कर सकते हैं जो उनसे उनके लिए लर्निंग से रिलेटेड हो। कुछ चीज़ें हम ऐसी इसमें इंक्लूड कर सकते हैं जिससे कि वो कुछ सीखेंगे। तो चलिए, आप वीडियो ज़रूर देखें और एंड तक ज़रूर देखें, और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो डू हिट द सब्सक्राइब बटन और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि मेरे वीडियोस के सारे नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएं। और कमेंट करके बताएं आपको किस तरह की वीडियोस की क्वेरीज़ हैं, किस तरह के वीडियोस आप चाहते हैं, मैं ज़रूर वो वीडियोस लेकर आऊँगी। और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो फिर डू हिट द लाइक बटन और शेयर भी करें सबके साथ। सो अगर आप ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं और स्पेशली छोटे बच्चों की, नर्सरी, प्री प्राइमरी, किंडरगार्टन, तो आपको बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको अपनी क्लासेस में थोड़े गेम्स इंक्लूड करना जिससे कि बच्चे इंजॉय कर पाएँ और सीखें भी साथ साथ। मैं आपको कुछ ऐसे गेम्स बता रही हूँ। मेरा फर्स्ट गेम है टीचर सेज। जैसे कि आपने सुना होगा, साइमन सेज एक गेम होता है जिसमें आपको साइमन सेज के साथ कुछ एक इंस्ट्रक्शन देना होता है, वही चीज़ बच्चों को करनी होती है। तो आप साइमन सेज ही इसको बोल सकते हैं या टीचर सेज कह सकते हैं, क्योंकि आप बोल रहे हैं तो टीचर सेज टच योर हेड, टीचर सेज क्लैप थ्री टाइम्स, टीचर सेज टच योर नोज, टीचर सेज पुल योर ईयर्स, टीचर सेज वेव योर आर्म। सो इसमें कुछ फिजिकल एक्टिविटीज़ भी हो जाती हैं बच्चों की, और बच्चे बहुत इंजॉय करते हैं। और ये गेम आप वीक में 2-3 बार ज़रूर खिलाएं, या आपने बिगनिंग ऑफ द क्लास में खिलाएं तो बच्चे थोड़ा वार्म अप हो जाते हैं और उन्हें बहुत इंजॉय करते हैं इस गेम को। नाउ नेक्स्ट थिंग इज़, देखिए अभी क्लासेज में नहीं आ रहे हैं बच्चे, स्कूल में नहीं आ रहे हैं, घर में हैं अपने, तो इसका भी एक छोटा सा एडवांटेज है। बच्चे घर में जो चीज़ें हैं उनके साथ कुछ एक्सप्लोर कर सकते हैं, बिकॉज स्कूल में हम इतनी सारी चीज़ें नहीं इकट्ठा कर सकते हैं। अगर आप उन्हें शेप से रिलेटेड कुछ बता रहे हैं, कलर से रिलेटेड कुछ बता रहे हैं, तो घर में इतने सारे ऑब्जेक्ट्स होते हैं, उसके साथ वो बहुत कुछ सीख सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल, आप उन्हें शेप्स का कंसेप्ट सिखा रहे हैं, तो आपको उन्हें बोलना है कि आपके पास, आपके टॉयज़ में या आपके घर में आसपास स्क्वायर शेप की कुछ चीज़ें हैं, या सर्कल शेप की कुछ चीज़ें, रेक्टेंगल शेप की कुछ चीज़ें, वो लेकर आएँ। 5 आइटम्स लाना है, आप उनको टाइमर दे दीजिए, 5 मिनट्स में आपको ढूंढ के कलेक्ट करके लाना है। या आप कलर्स का कॉन्सेप्ट सिखा रहे हैं तो आप उन्हें कहिए कि आप अपने 5 येलो कलर के क्लोथ्स ले आएँ, या आप अपने 5 ग्रीन कलर के टॉयज़ ले आएँ। तो इस तरह से उनका कलर का कॉन्सेप्ट होगा, थोड़ा सा सर्च करना उनको आएगा, ये भी एक एक्टिविटी होती है बच्चों के डेवलपमेंट के लिए, और थिंकिंग, लॉजिकल थिंकिंग, इस तरह से ये सीखेंगे और बहुत इंजॉय करेंगे। और टीचर को घर की अपनी चीज़ दिखाने का बहुत शौक़ होता है बच्चों को, तो वो ज़रूर ये गेम को बहुत इंजॉय करेंगे। नाउ मेरा नेक्स्ट ये है, ये भी कुछ इसी तरह से रिलेटेड है, शो मी योर टॉय एंड डिस्क्राइब इट। बच्चों को बहुत शौक होता है, मेरे क्लास में बच्चे अपने टॉयज़ दिखा के इतने खुश होते हैं उसके बारे में बता के। तो आप उसको गेम के तरह पे कर सकते हैं, आपको कोई फेवरेट टॉय या आपने कोई न्यू टॉय लिया है वो टीचर को आपको दिखाना है, सब बच्चों को दिखाना है और उसके बारे में डिस्क्राइब करना है। आपको वो उनका कलर क्या है वो दिखाना है, वो किस शेप का है, उसका क्या काम है। तो थोड़ा सा बोलने का भी बच्चों को आता है, चीज़ें डिस्क्राइब करने का आता है। अगर थोड़े से बड़े बच्चे हैं, आप उन्हें एडजेक्टिव सिखा रहे हैं, डिस्क्राइबिंग वर्ड सिखा रहे हैं, तो भी ये गेम आप इंक्लूड कर सकते हैं कि आप 5 ऑब्जेक्ट्स लाइए और उसके बारे में एक एक ऑब्जेक्ट के 5 डिस्क्राइबिंग वर्ड्स, एडजेक्टिव्स बताइए। तो ये गेम्स बच्चे बहुत इंजॉय करते हैं, बिकॉज अपनी कोई चीज़, घर की कोई चीज़ टीचर को उन्हें दिखाना मिलता है, सब बच्चों को अपने फ्रेंड्स को दिखाने का मौका मिलता है, तो वो बहुत खुश होते हैं और इसी के साथ साथ वो बहुत कुछ लर्न भी करते हैं। नाउ अवर नेक्स्ट गेम इज़, आपको कोई पिक्चर शो करनी है, या आप स्क्रीन शेयर करें, या आप खुद अपनी कोई बुक से पिक्चर दिखाएं, और उस पिक्चर को दिखा के आपको कुछ मिनट्स तक, 1 मिनट तक आपको शो करनी है वो पिक्चर, और वो कलरफुल हो, कुछ चीज़ें हो, और उनको ये पिक्चर दिखा के आप हटा लें,
और एक एक करके बच्चों से पूछना है आपने क्या देखा उस, या क्या देखा है, आप पिक्चर को डिस्क्राइब करें, ये आप बोल सकते हैं, या आप अपने कुछ 4-5 क्वेश्चन बना के रखें कि इस पिक्चर में कितने लोग हैं, इस पिक्चर में कितने कलर्स हैं, क्या है, इससे रिलेटेड कुछ आप उनसे पूछ सकते हैं क्वेश्चंस। तो ये भी बच्चों की थिंकिंग के लिए बहुत अच्छा है और इन्जॉय भी करते हैं, बच्चों को बोलने का मौका मिलता है। सो दिस इज़ अ वेरी गुड गेम। अब मेरा नेक्स्ट गेम है करेक्ट मी इफ़ आई एम रॉन्ग। आपको कुछ कहना है और वो एक्शन करना है, लाइक आई एम शोइंग टू फिंगर्स। सो अगर आपका ये स्टेटमेंट और आपका एक्शन मैच नहीं कर रहा तो बच्चों को थम्स डाउन करते हैं, और इफ़ इट इज़ करेक्ट तो उन्हें थम्स अप। पहले ही आप इंस्ट्रक्ट कर दें जो मैं बोल रही हूँ, अगर वो सही है तो आपको थम्स अप करना है, अगर वो गलत लग रहा है आपको तो थम्स डाउन करना है। तो सारे बच्चे एक साथ इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, बिकॉज सबको म्यूट अनम्यूट करना मुश्किल होता है। सो सारे बच्चे थम्स अप थम्स डाउन करेंगे। तो टेल मी इफ़ आई एम वेयरिंग अ थम्स अप, इफ़ आई एम वेयरिंग अ ग्रीन ड्रेस सो एवरीबडी विल थम्स डाउन, इफ आई एम वेयरिंग अ पिंक ड्रेस सो एवरीबडी विल थम्स अप। या आप कुछ ऑब्जेक्ट शो कर सकते हैं, उसके बारे में, उसका कलर शेप के बारे में पूछ सकते हैं, या आप कोई पर्टिकुलर चीज़ सिखा रहे हैं उससे रिलेटेड भी आप ऑब्जेक्ट शो करके उनसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। गलत हो तो उन्हें थम्स डाउन करना है, सही हो तो थम्स अप करना है। सो ये कुछ 5 गेम्स हैं जो बच्चों को बहुत इंजॉय करेंगे, आपकी क्लास इंटरेस्टिंग होगी, बच्चे इन गेम्स को करके सीखेंगे और बहुत हैप्पी होंगे। सो इस टाइम पर ऑनलाइन क्लासेस के साथ हमें इंटरेस्टिंग बनाना इन क्लासेस को बहुत ज़रूरी है, और आप इन गेम्स को अपने क्लासेस में इंक्लूड करें, आपके बहुत हेल्पफुल होगा और बच्चे भी इंजॉय करेंगे। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो, पसंद आया तो डू हिट द लाइक बटन एंड डू शेयर इट विद अदर्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।